डायबिटीज के मरीज अक्सर उस समय टेंशन में आ जाते हैं जब उनकी मॉर्निंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है। पेशेंट अक्सर फोन करते हैं, बोलते हैं मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर 120 है, 110 है, 130 है, इवन 140 है, परंतु खाना खाने के बाद में ये 130 ही आती है या 140 ही आती है। तो डॉक्टर साहब, क्या बात है कि खाना खाने के बाद की तो नहीं बढ़ती पर सुबह की मेरी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ रही है, या आज तो मैंने रात को अपनी ब्लड शुगर चेक की थी, खाना खाने के 2 घंटे बाद वो मात्र 110 थी पर सुबह में 120 आ गई या 130 आ गई, मैंने कुछ भी रात भर नहीं खाया उसके बावजूद ये शुगर एक्स्ट्रा आई कहां से। तो ऐसी स्थिति में उन सभी पेशेंट्स को थोड़ा सा कूल डाउन हो जाना चाहिए, अपने टेंशन को कम कर लेना चाहिए। दरअसल ये होता है डॉन्स फिनोमिना के कारण। डॉन्स फिनोमिना सभी लोगों के अंदर पाया जाता है, ये नेचुरल है। और इसमें दरअसल होता क्या है, आपका शरीर कुछ पॉइंट्स ब्लड शुगर बनाता है और उसको पंप कर देता है ब्लड फ्लो में, खासतौर से लिवर। आपके लिवर में जो शक्कर है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहती है लगभग 100 ग्राम, और बाकी के मसल्स के अंदर लगभग 500 से 600 ग्राम, मतलब टोटल आपके शरीर में 600 से 700 ग्राम तक शक्कर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है। वहीं आपके ब्लड फ्लो में अगर 1 चम्मच शक्कर है, मतलब 5 ग्राम शक्कर है, तो आपकी ब्लड शुगर रीडिंग 100 के आसपास आएगी। अब आप रात को जब सोते हैं रीडिंग 110 या 120 थी, मॉर्निंग के अंदर भी वो वहीं 120 या 130 पर खड़ी है, तो आपका सरप्राइज हो जाना लाजमी है। दरअसल जब आपके बच्चे आपके घर के बाहर निकलते हैं तो अक्सर आप उनको कुछ पैसे हाथ पर देते हैं कि घर के बाहर जा रहे हो, रिक्शा भाड़ा या खाने पीने के लिए कुछ पैसे आपको लग सकते हैं। उसी तरह से आपके शरीर के लिए आप भी उनका बच्चा हो, यू आर किड फॉर देम, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो ऐसे में आपका शरीर, आपका लिवर, जब उसको मालूम पड़ता है कि आप रोज सुबह 8 बजे या 9 बजे या 7 बजे, क्योंकि आपकी साइकिल सेट है, तो जब उसे पता पड़ता है कि आप उठने वाले हो, तो आपको एनर्जी थोड़ा सा वो अपनी तरफ से देता है। लिवर टॉप अप करता है ग्लूकोज, या तो ग्लाइकोजन से या फिर फैट से, बॉडी के फैट को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और पंप कर देगा, या फिर जो ग्लाइकोजन के रूप में शुगर स्टोर्ड है लिवर में, अगर उसने 2-3 ग्राम भी पंप कर दी तो उसके अंदर आपका ब्लड शुगर फटाक से 20-30 पॉइंट बढ़ जाता है। इसके लिए अक्सर जिन मरीजों की ब्लड शुगर इंसुलिन के इंजेक्शन या दवाइयों के साथ में 90 और 100 आती है, तो मैं उन्हें इमीडिएट बोलता हूँ अपनी दवाइयों को वो लोग रीशेड्यूल करें, क्योंकि मिडनाइट में पॉसिबल है उनकी ब्लड शुगर 60 या 70 आ जाए, तो उनको शिवरिंग या बेहोशी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने रात के मेडिसिंस को रीशेड्यूल करें। और अगर आप रात में कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं एंटी डायबिटिक और फिर भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो चिंता की बात नहीं है। ये बॉडी एज ए नेचुरल एटीट्यूड आपके ब्लड के अंदर कुछ एडिशनल शुगर पंप करती है। इसको घटाने के हालांकि कई तरीके हैं, और जो लोग LDCF डाइट को फॉलो करना शुरू करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ महीनों के अंदर उनकी ब्लड शुगर जो फास्टिंग की है वो भी नॉर्मल आने लगती है, और स्थिति यहाँ तक होती है कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 80, 90, 70 इस प्रकार से आने लगती है, और इवन खाना खाने के बाद की शुगर भी ड्रॉप होते होते 90 से 110 के बीच आने लगती है, जब वो नियर क्लोज पहुँचते हैं रिवर्सल के। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी भी ब्लड शुगर ज़्यादा आ रही है, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे पॉसिबल है कि आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग में भी कम आने लगे, पर कई केसेस में इस फास्टिंग ब्लड शुगर को नीचे आने में 6 महीने से साल भर भी लगते हैं, पर इसको इजीली आपको लेना चाहिए। हाँ, आपके डाइट में अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स में कुछ एक चेंजेस करते हैं, तो इस डॉन्स फिनोमिना से बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे कुछ हार्मोन्स काम करते हैं, जैसे लिवर का ही एक हार्मोन है ग्लूकागोन, ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है और ये आपके लिवर के ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करता है कन्वर्ट होने के लिए ग्लूकोज के अंदर। इसके अपार्ट कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन, इनका भी कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में मॉर्निंग में अधिक होता है, तो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं
आपकी हाई मॉर्निंग ब्लड शुगर के लिए और साथ में एड्रेनलिन। तो ये चार हार्मोन हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इस चीज को आप किस तरह से काबू में कर सकते हैं, तो सबसे पहले तीन मेन फैक्टर हैं। पहला, आपके रात के भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कंट्रोल करें, ग्रीन लीफीज बढ़ाएं, सैलड्स बढ़ाएं, फाइबर बढ़ाएं, इसके साथ में प्रोटीन की मात्रा सफिशियंट लें नाइट मील में और कार्बोहाइड्रेट को कम से कम रखें। दूसरा, अपने मील को थोड़ा प्रीपोन्ड करें, लेट नाइट मील ना लें, कोशिश करें 6 से 7 बजे के बीच में आपका लास्ट मील डे का हो जाए। उसके बाद में तीसरा, अगर इवनिंग में मील के बाद एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक 30-40 मिनट की या फिर योगाभ्यास और अपनी जो भी मॉर्निंग एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखें। तो ये तीन एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आपको अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। फिर इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स, जैसा अक्सर मैं ग्लूको फ्री आपको गाइड करता हूँ, उसका सेवन रेगुलर करते रहें तो आप इस डॉन्स फिनोमिना से कुछ समय के अंदर फुर्सत पा सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसको रिलेटेड या फिर डायबिटीज रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे सबमिट कर सकते हैं। और अब काफ़ी कम प्राइस पर हम ऑनलाइन और एक्सटेंसिव डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल कोर्सेज आपके लिए लाए हैं। आपको उसके बारे में जानकारी होगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको गाइड किया जाता है कि आप डायबिटिक क्यों हुए, किस प्रकार से आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, कौन से ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप रिवर्सल को मॉनिटर कर सकते हैं, आपके फूड को लो कार्ब के लिए आप कैसे मॉनिटर करें और उसको रिवर्स करें, साथ में आपको डाइट चार्ट्स, ये सारी डिटेल काफ़ी कम प्राइस पर अब अवेलेबल है। आप चाहें तो इनका हिस्सा बनकर अपनी डायबिटीज़ को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।